हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यम प्रजापति और होस्ट कम दोस्त एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल TIF टेक्नोलॉजी फ्यूचर में। फ्रेंड्स, सबसे पहले बताना चाहता हूँ आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये एक इलेक्ट्रिक साइकिल पे बेस्ड है जिसका नाम है वोल्ट्रॉन, तो वीडियो स्किप बिल्कुल मत करिएगा वरना आपके काम का नहीं हो पाएगा। ये वीडियो पूरा फुल देखिएगा तब जाके आपको एक डिटेल समझ आएगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त ही साइकिल है, जो कि साइकिल भी नहीं है और स्कूटी है। वो स्कूटी भी नहीं है और साइकिल भी है इस तरह से, मतलब स्कूटी कम साइकिल है। वो स्कूटी का पूरा फ़ायदा मिलता है बट नुकसान स्कूटी वाले नहीं मिलते इसमें। और इसका माइलेज जो है फ्रेंड सबसे बड़ी चीज़ है, इसमें कई कमाल की चीज़ें, एक ही नहीं कई, स्टेप बाई स्टेप मैं सब कुछ बता रहा हूँ। इसमें पीलियर राइटिंग भी दी हुई है। उससे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसका अबाउट सेक्शन और हिस्ट्री की। तो ये दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप है जो कि एक ई बाइक बनाना चाहते थे। पहले हार्ली डेविडसन से इंस्पायर होकर एक ज़बरदस्त बाइक बनाना चाहते थे, जो इनकी कंपनी के CEO को फाउंडर है मिस्टर प्रशांता वो। बट जिस समय ये बनाना चाहते थे उस समय लॉकडाउन लग गया, अनाउंस कर दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से पूरे देश में, जो कि 24 मार्च 2020 को लगा था। ऐसे समय में कंपनी के जो ये फाउंडर और CEO हैं प्रशांता ने सोचा कि हमने जो अप्रूवल लिया था ARAI एंड ICAT से, तो वो तो मिलने से रहा बिकॉज लॉकडाउन है ना। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा डेवलप किया जाए जिसके लिए कोई खास स्पेशल अप्रूवल की ज़रूरत ना हो। उसके बाद ही निर्माण कार्य शुरू हुआ था वोल्ट्रॉन ई साइकिल का। बात करते करते स्कूटी की तरफ होते होते वो साइकिल में कन्वर्ट हो गई, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही है। लेकिन वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बना दी गई है। और मैं डायरेक्टली प्राइस पर ही आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में प्राइस चल रहा होगा कि बाकी सब तो ठीक है, प्राइस कितना। सबसे पहली चीज़ बता देता हूँ, 35,000 की अभी है इस टाइम पर, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली नहीं है इसके जो फीचर्स के देखते हुए। माइलेज की बात करें तो 100 किलोमीटर्स का माइलेज है पर सिंगल चार्ज, यानी एक चार्ज में आपको 100 किलोमीटर तक का माइलेज आपको मिल जाएगा एज़ पर कंपनी क्लेम, जैसा क्लेम करती है। चार्जिंग टाइम की बात करें तो 3 घंटे अप्रॉक्स लगते हैं विद एनी सॉकेट, किसी भी सॉकेट में लगा दीजिए आप, 3 घंटे में लगभग चार्ज हो जाती है फुल्ली 100 किलोमीटर के लिए। टॉप स्पीड की बात करें तो कि ये ईवी है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल साइकिल है, तो ये अंडर स्पीड लिमिट में आती है, तो 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के साथ आएगी। तभी इसमें अच्छी बात यह है कि आपको हेलमेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी RC की, ना ही किसी तरह की कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ नहीं, डायरेक्ट लीजिए चलाइए। बैटरी की बात करें तो 24 वोल्ट्स और 30 एम्पीयर्स की बैटरी, बड़ी बैटरी दी हुई, तभी इसमें 100 KMPL का माइलेज मिल रहा है आपको। वो बात करें टोटल मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है एक्सेप्ट मोटर, क्योंकि मोटर साउथ कोरिया से इम्पोर्ट की गई है, वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं हुआ। बाकी एक पार्ट इसका मैन्युफैक्चर इंडिया में ही हुआ है, जो कि बठिंडा पंजाब में ही शुरू हुआ था प्लांट। अब तो शायद दिल्ली के आसपास वगैरह में भी ये बनाना शुरू कर चुका है अपनी फैक्ट्री से। टेस्टिंग की बात करें तो दिल्ली में इसकी टेस्टिंग की गई खूब ज़बरदस्त, और लद्दाख में जो क्लाइंबिंग एरिया होता है हिल्स वगैरह, वहाँ पर हार्ड टेस्टिंग की गई है। बाकी साइकिल्स में जो फ्लाईओवर चढ़ने के लिए मोटर के साथ आपको पैडल भी करना पड़ता है थ्रॉटल के साथ में, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। 21 में जो मोटर लगी हुई है ड्राइव मोटर लगी हुई है। बाकी इस साइकिल में देखते हैं आप व्हील में, रियर व्हील में मोटर दी होती है BLDC, इसमें BLDC नहीं की है, ड्राइव मोटर कहलाती है जो सेंटर में लगी होती है, जिसके कारण इसका पावर ज़्यादा मिलता है और माइलेज भी ज़्यादा मिलता है, दोनों चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं और लोड कैपेसिटी भी ज़्यादा मिल जाती है। तभी इसमें पिलियन राइडिंग भी दी हुई, पिलियन राइडिंग बोले तो आप एक साथ पीछे सीट भी दी हुई थी, आप ये देख पा रहे हैं आप, उसमें दो लोगों को आप बैठा के चला सकते हैं आराम से, यानी कि टोटल वेट 150 kg के आसपास। अब शॉर्टकट में बात कर लेते हैं, इसमें मोटे मोटे जो फीचर हैं बड़े बड़े से वो क्या क्या हैं। पहला क्लाइंब फीचर है, 25 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री एंगल तक का कोई दिक्कत नहीं, आराम से फ्लाईओवर इससे ज़्यादा होते नहीं है, आराम से चढ़ जाएगी आपको बिना पेडल लगाए। प्लस ऑफ रोड एंड रोड के लिए डिज़ाइन की गई, इसका जो रियर टायर है वो 3 इंच का दिया हुआ है, तो इससे राइडिंग आपकी बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ाई और होती है। पिलियन राइडिंग में बता चुका हूँ, डबल सीट रहती है, ठीक है, 3 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से लगभग चार्ज आता है आपका। अगर चार्ज करते हैं तो मोटा मोटा कैलकुलेशन इसी के आसपास आता है, 3 पैसे पर किलोमीटर आपको खर्च पड़ेगा, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यार, इससे ज़्यादा क्या लोगे आप। बैटरी इंडिकेटर भी दिया हुआ है, कितनी बैटरी बची हुई है कितनी नहीं। LED लाइट्स और बार लाइट्स दी हुई हैं, जिसमें लास्ट बार शो होता है आपका, बता देता है कि साइकिल अब 10 से 15 किलोमीटर चलेगी, तो पहले ही एक ही पॉइंट बता देगा आपको।
तो सोच लीजिए बाकी एक अंदाज़ा 100 किलोमीटर का माइलेज यहाँ मिल जाएगा आपको। ऑटो ई ब्रेक सिस्टम दिया हुआ है, डिस्क ब्रेक, जब भी ब्रेक लगाते हैं आप तो मोटर से पावर कट ऑफ हो जाती है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और बाइक को भी प्रॉब्लम ना हो। इनबिल्ट इसमें हज़ार दिया हुआ है, लाइट्स दी हुई हैं, ब्रेक लाइट दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ नहीं जो आपको ना मिले। प्लस पहले मैंने पहले ही बात करी कि नो लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, और रियल भी जो मैंने बताई चुका 3 इंचेस का है, इसके चौड़ा होने से क्लियर राइडिंग आपकी आसानी से हो जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है, और हाई ट्रांसमिशन पावर दिया हुआ है इसमें जो कि बाइक को बहुत ही ज़बरदस्त बनाता है। इसके मोटे मोटे फीचर्स क्या है, 100 किलोमीटर्स का माइलेज आपको मिलता है इसमें, किसी इलेक्ट्रिक साइकिल में नहीं मिलता है अभी तक का तो फिलहाल। प्लस प्रीमियम राइडिंग मिलती है, 2 लोगों को बैठने की व्यवस्था इसमें की गई है, वाकई वो बैठते हैं, ऐसा नहीं कि केवल कहने के लिए दे दिया है। बढ़ा आप देखिए कितनी सॉफ्ट सीट बनी हुई है। प्लस इसका लुक तीसरी चीज़ है जो स्कूटी से मिलता जुलता है, और स्कूटी का रिस्क भी नहीं, स्कूटी अगर गिर जाए तो पैर वैर चोट लग जाएगी, गिरेगा तो कुछ चोट भी नहीं लगेगा आपको, है ना। तो फ्रेंड्स बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको, तो ज़बरदस्त प्रोडक्ट लेके आया था, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा, पूरी हिस्ट्री से लेकर के इसकी झोपड़ी वगैरह सब बता दी मैंने, क्या क्या फीचर्स हैं, और धीरे धीरे कंपनी इसमें इंप्रूवमेंट और करते ही जा रही है, तो जो भी चीज़ें कुछ लोगों ने परचेस करी है, प्रॉब्लम फेस करी है, तो उनका सुधार भी हुआ है। मैंने इसकी वेबसाइट पर जाकर देखा था, आप वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी डिटेल्स उसमें मिल जाएगी आपको वोल्ट्रॉन को लेकर, बहुत ही ज़बरदस्त ई बाइक है। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लग तो लगेगा ही, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके कि अगर कुछ लेने का सोच रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल तो इस पर एक बार नज़र डाल सकते हैं। 100 किलोमीटर का माइलेज और प्रीमियम राइडिंग ध्यान रखिएगा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और चैनल पर प्लेलिस्ट काफ़ी बनी हुई है तो प्लेलिस्ट चेक करिए फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया करिए हर वीडियो का, उसमें काफ़ी कुछ रहता है इंपॉर्टेंट आपका। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।